गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस कक्षा में। वर्ग सात के विज्ञान की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग और अध्याय एक के अंतर्गत हम लोगों ने जल और जंगल को पढ़ा है। आज हम लोग अध्याय दो की शुरुआत करेंगे और इस अध्याय का टॉपिक है जंतुओं में पोषण, यानी विभिन्न जीव जंतुओं में जो पोषण की प्रक्रिया है उसका पोषण कैसे होता है और पूरी प्रक्रिया क्या है, पोषण के लिए हम कौन कौन सी गतिविधि करते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाएं और यहाँ हम लोग जंतुओं में पोषण की चर्चा कर रहे हैं। तो यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार की भोजन पर वो आश्रित होते हैं, उनके भोजन करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन उद्देश्य यही होता है कि उनका पोषण हो, उनका जो अस्तित्व है वो बचा रहे, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और इस शरीर के वृद्धि के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। समस्त प्राणी जगत में, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो या फिर मनुष्य, सभी के अपने अपने भोजन करने के तरीके होते हैं। भोजन में वो विभिन्न प्रकार के अवयवों का समावेशन करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीन कैटेगरी में हम जंतुओं को बांट सकते हैं। उसके बाद हमने आहार श्रृंखला को देखा पिछले अध्याय में, जहां हमने यह जाना कि संपूर्ण जीव जगत में जो पौधा है वो उत्पादक की भूमिका में होता है। उसके बाद क्रमशः प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और फिर इस आहार श्रृंखला के शीर्ष पर जो अवस्थित है, जैसे जंगल की आहार श्रृंखला में देखें तो बाघ शीर्ष पर अवस्थित है, वहीं अगर हम अपने आसपास देखें तो शीर्ष पर मानव है, जो सभी तरह के भोज्य पदार्थों को खाता है, उसका भक्षण करता है। बच्चों, सुबह उठने के साथ ही हम नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन, शाम में फिर थोड़ा नाश्ता और रात में भोजन करके सो जाते हैं। ये जो हमारे दिनचर्या में भोजन और नाश्ते का जो स्थान है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आपको हंसी आएगी इस प्रश्न को सुनकर, क्योंकि हम इसका उत्तर स्पष्ट ही कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। बच्चों, जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन भोजन हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है और इस पोषण के अंतर्गत कुछ पोषक तत्व होते हैं। तो हमें सिर्फ एक ही तरह के भोजन करने से सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिलते, इसलिए हम अपने भोजन में अलग अलग प्रकार की सामग्रियों का, अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का समावेशन करते हैं। बच्चों, हमारे भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हो, इसके लिए जरूरी है कि हम एक संतुलित आहार लें, ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसमें समस्त पोषक तत्व मौजूद हों। सुबह के नाश्ते से लेकर रात्रि के भोजन तक आपके भोजन में समस्त पोषक तत्व होने चाहिए। आपने विगत कक्षाओं में पढ़ा होगा कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों में जो प्रमुख पोषक तत्व हैं वह हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन इत्यादि। हमने विटामिन की बात की तो अलग अलग कार्यों के लिए हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन ए से लेकर के और विटामिन के तक विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं। आज हम और आप किसी भी काम को करने में इसलिए सक्षम हैं क्योंकि हम निरंतर अपने शरीर को पोषण देते रहते हैं और हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए, हमारे समस्त क्रियाकलापों को करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और इसी भोजन के माध्यम से हम पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में विज्ञान की जो पुस्तक है, सातवीं कक्षा की जो विज्ञान की पुस्तक है,
उसे पेज नंबर 20 पर आप जब जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि एक तालिका बनी है। पेज नंबर 20 पर एक तालिका बनी हुई है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस तालिका में दिया गया है जंतुओं का नाम, वो किस प्रकार का भोजन करते हैं और फिर उनके भोजन करने का स्टाइल क्या है, उनके भोजन करने के तरीके क्या है। तो जैसा कि पिछली कक्षा में हम सभी ने जाना कि मूलतः जो जीव जंतु हैं वो तीन कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक होता है जो सिर्फ साग सब्जियों पर या फिर हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, एक कैटेगरी है जो मांसाहार पर निर्भर होता है, और तीसरा कैटेगरी है जो दोनों प्रकार की चीजों का भक्षण करता है। अगर आप सब पिछले कक्षा में मैंने आपसे एक टास्क भी कहा था करके लाने के लिए, और अगर आप करके लाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में उसका फोटो आप इंसर्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किया है तो आप वो भी एक तालिका बना लीजिएगा जरूर, जिसमें आप अपने आसपास देखी जाने वाली पाई जाने वाली जो जीव जंतु हैं उनको आप कैटेगराइज करें, उनको आप वर्गीकृत करें कि कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन ऐसा जीव है जो दोनों तरह की चीज़ों पर निर्भर है, भोजन भी भोजन के रूप में वो पेड़ पौधों को भी खाता है और कभी कभी वो मांस मछली का भी भक्षण करता है। जैसे अगर आप अपने घर में ही देखें तो बिल्ली जो है, बिल्ली और कुत्ते, तो बिल्ली क्या है आपके यहाँ के जो अगर कभी गेट खुला रह जाता है तो अंदर आकर के वो दूध वगैरह भी पी जाती है, और अगर मांस मछली बना है आपके घर में तो भी खा जाती है। तो बिल्ली किस कैटेगरी में है, सर्वाहारी में। कुत्ते की बात करें तो कुत्ता तो घास नहीं खाता है, कुत्ता जो है आपके घर में जो बचे हुए भोजन है उसको जूठे भोजन अगर आप बच गया वो बासी भोजन वो खा करके भी जीवन व्यतीत कर लेता है, और अगर उसको मौका मिला तो मांस मछली भी खा लेता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कुत्ता भी सर्वाहारी जीव हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कि हिरण या बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, गधे, कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, चारा खाते हैं, तो वे शुद्ध शाकाहारी जीव होंगे। इस तरह से कैटेगरी में आपको बांटना है। खैर, ये तो पिछले अध्याय का टास्क था, पिछले अध्याय का गृह कार्य था। इस अध्याय की बात करें तो इस अध्याय में भी आपके पास एक क्रियाकलाप है, आप अपने आसपास पाए जाने वाले जीवों के भोजन करने की शैली को पता लगाना है, भोजन करने की शैली का वो अध्ययन करके करते हुए और उसको आप लिखेंगे तालिका। तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे जीव जंतु का नाम, दूसरी तरफ उनका भोजन और भोजन को करने का तरीका। अब आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि यह तरीका क्या है भाई, भोजन करने का तरीका क्या होता है। तो आप अपने ऊपर एक उदाहरण अपने आप को लीजिए और सोचिए कि आप जो भोजन करते हैं कैसे करते हैं। आपके पास हाथ है तो आप भोजन को हाथ से उठा करके मुंह में डालते हैं, या फिर आपको पानी पीना होता है तो आप गिलास में पानी लेते हैं और फिर पीते हैं। लेकिन सोचिए जिस जीव जंतु, कुछ ऐसे जीव जंतु भी हैं जिनके पास जो हाथ का प्रयोग नहीं करते, जैसे कुत्ता है या गाय भैंस है, ये सब क्या करता है, ये सब सीधे मुंह लगाकर खाते हैं नहीं। लेकिन बंदर हाथ का भी प्रयोग करता है, बंदर क्या करता है, हाथ का भी प्रयोग करता है। उसके बाद गिलहरी के खाने पीने का तरीका देखिएगा, अपने आसपास पाए जाने वाले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप शेर का भोजन का करने का स्टाइल पता लगाइए, आप बाघ का भोजन के तरीकों पर पता लगाइए, आप जो है हाथी के खाने के तरीकों का पता लगाइए, बल्कि आपके आसपास। मैं कुछ उदाहरण समझाता हूँ ताकि आपको एक हिंट मिल जाए। देखिए, वर्ग 7 के बच्चों के लिए यह चैप्टर है, तो जैसा कि आपने 6ठा में पढ़ा है उससे थोड़ा विस्तार तो जरूर मिलेगा, थोड़ा टास्क कठिन तो होगा ही, और इन सब चीजों को समझना होगा। जैसे आपके आसपास कुछ जीव पाए जाते हैं, जैसे कुछ पक्षी का उदाहरण लें तो तोता है, कौवा है, मैना है, कुछ चींटियां आपको नीचे धरती पर चलती हुई मिलेंगी, उनके भी भोजन कलेक्ट करने का तरीका, भोजन करने का तरीका भी अलग है। आपके घर के आसपास कहीं चूहे दिख जाएंगे, बिल्ली दिख जाएगी, कुत्ते दिखेंगे, और भी कई जीव जंतु हैं जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। और फिर तितलियों का भी अगर देखें, तितलियों का भोजन करने का स्टाइल कैसा है, तो वे फूल पर मंडराते हैं और उसका रस चूस लेते हैं। मधुमक्खियों का भी यही स्टाइल है, ये सब भी इनका भोजन करने का स्टाइल है, भोजन करने का तरीका। तो पहले इनकी सूची बनाएंगे जीव जंतु का, फिर उसमें वो किस प्रकार का भोजन करते हैं और फिर उस भोजन को करने का तरीका।
इसमें आप अपना भी नाम लिखेंगे, आप किस प्रकार का भोजन करते हैं और उस भोजन को कैसे करते हैं, है ना। तो सभी प्रकार के भोजन को करने का स्टाइल अलग अलग है, सभी जीव जंतु का अपना अपना तरीका है। अब हमारे मन में एक प्रश्न है कि जो भोजन है वो करना करने के बाद वो हमारे शरीर को पोषण कैसे प्रदान करता है। भोजन किसी भी जीव जंतु के शरीर में जब प्रवेश करता है, किसी माध्यम से प्रवेश करे, किसी भी तरीके से उसके शरीर में जाए, अब उसको पोषण कैसे मिले, तो इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसे हम पाचन के नाम से, पाचन मतलब डाइजेशन। किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में एक तंत्र बना हुआ है जिसे हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर के भीतर क्या बना हुआ है, तंत्र बना हुआ है जिसे हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। और यही पाचन तंत्र का इसका काम ही है कि हम जो कुछ भी खाएं पिए उसे वो पचाए, और यह पूरा तंत्र एक सिस्टम के हिसाब से काम करता है, पूरा एक रूल एंड रेगुलेशन के अधीन काम करता है। और जब इस रूल रेगुलेशन में कहीं बाधा उत्पन्न होती है, इन अंगों में कहीं पर कोई खराबी आती है, कहीं कोई रुकावट आता है, तो हमें महसूस होता है कि हमारे शरीर में भोजन पचा नहीं है और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। बच्चों, शरीर में होने वाली बीमारियों में से 90% या 90% से अधिक बीमारियां आपके पेट पर निर्भर करती हैं। यानी अगर आपके पेट में कोई खराबी नहीं है तो समझिए कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा। मतलब तमाम तरह की बीमारियों का जड़ है आपका पेट। इसलिए हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, सौ समय भोजन कर लिया करें, सात्विक भोजन करें, तेजी जल्दी जल्दी से भोजन ना करें, बल्कि भोजन करने को भी एक प्रमुख काम समझें। इसे हम हड़बड़ी में ना करें। ध्यान रखें कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद एक प्रक्रिया होती है, और फिर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उनका संश्लेषण होता है, और उसके बाद उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फैट्स, वो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है और जिसका जो काम है वो उस काम में लग जाता है। साथ ही साथ उसके बाद जो उसमें बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ होता है वो विभिन्न माध्यमों से शरीर के बाहर निकल जाता है। आप सब पाचन तंत्र को अगर गौर से देखे होंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उसकी एक बनावट जो है वो हमारे शरीर में के भीतर किस प्रकार से वो काम करता है। आप यहाँ देखेंगे पाचन तंत्र बना हुआ है जिसमें मुख से लेकर के और गुदा तक की चर्चा है, जिसमें जिसे हम मल द्वार भी कहते हैं। सुबह भोजन करने से लेकर के और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब आप फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया में पाचन अपना काम जो करता रहता है, पाचन तंत्र अपना काम करता रहता है, और इसमें कहीं अगर रुकावट उत्पन्न होता है तो फिर आप परेशानी में पड़ जाते हैं, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें भोजन करते रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें उचित मात्रा में जल का भी प्रयोग करना चाहिए। भोजन कैसा हो, संतुलित हो। संतुलित भोजन का मतलब यह नहीं है कि आप कम खाएं, संतुलित भोजन का मतलब है कि आपके भोजन में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन ही हम ज्यादा से ज्यादा खाएं। हमें यह ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वसा और जो खनिज हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उन सब का एक संतुलित मात्रा हमारे भोजन में हो। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। हम किसी काम को करने के लिए जो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स से आता है, और इसका स्रोत है रोटी, चावल, चीनी, आलू इत्यादि। और इस सब चीज़ों का समावेशन लगभग सभी घरों में लोग करते ही हैं अपने भोजन में। बच्चों, प्रोटीन हमारे शरीर में जो बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है, प्रोटीन हमारे शरीर के संरचना के लिए, बनावट के लिए जो जिम्मेवार है। कहीं भी हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है, कहीं कोई घाव हो जाता है, कट जाता है, वो स्वयं ठीक होने लगता है और वहाँ पे नए सेल्स बनने लगते हैं, और यह सब काम करने में मदद करता है प्रोटीन। इसके अलावा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में फैट्स का भी बड़ी भूमिका।
का फैट्स यानी वसा, जितना भी तैलीय पदार्थ हम सेवन करते हैं, चाहे घी के रूप में करें, चाहे फिर आप मछली भी खाते हैं तो उससे भी फैट्स हमारे शरीर को जाता है। इसके अलावे फैट्स को भी अगर हम कैटेगोराइज करें तो फैट्स भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा फैट्स और एक बुरा फैट। क्योंकि आप जो बाजार में तला भुना भोजन करते हैं, चाहे वो समोसा खा रहे हो या फिर आप कोई भी फास्ट फूड का उदाहरण ले लीजिए, जो तेल में या घी में तला हुआ होता है, वो खाने में तो मजेदार लगता है, खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग पूरे पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे, पूरे पाचन तंत्र को अच्छे से समझेंगे कि पाचन की क्रिया मुख से शुरू होकर के और छोटी आंत तक, फिर बड़ी आंत तक पहुंचने के बाद वो फिर अवशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन सी गतिविधियां होती है और किस अंग में कौन सा पोषक तत्व बचता है और हमारे शरीर में वो कैसे प्रवेश करता है। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे मानव और संपूर्ण जीव जंतु में पोषण की जो प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होती है, और इस सब के लिए हमें भोजन करना होता है, और भोजन कैसा हो, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार, है ना। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रक्रिया को हम अगर हम स्टेप वाइज देखें, बिंदुवार देखें, तो सबसे पहले हमें अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है। इसके बाद कल विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया को अगर पांच भागों में बांट कर देखें तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है अंतर्ग्रहण, यानी कि हम उसको खाते हैं या पीते हैं। जो भी तरल पदार्थ है उसे हम पीते हैं और जो ठोस पदार्थ है उसे हम चबा चबा करके शरीर के अंदर डालते हैं। और आपको बता दें कि पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। जैसे ही हम कोई चीज मुंह में डालते हैं और चबाना प्रारंभ करते हैं, हम कह सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो गई। बच्चों, अंतर्ग्रहण के उपरांत पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हमारे शरीर में विद्यमान विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स स्रवित होने लगते हैं हमारे शरीर से और सब जुट जाते हैं उस भोजन को पचाने में। और पचने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बीच वाला जो सेक्शन है इसका, वो है अवशोषण। पाचन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण है अवशोषण, यानी जो कुछ भी पचा है वो इस शरीर में अवशोषित हो जाए, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं भोजन का शरीर में लगना। यानी भोजन आपके शरीर में अगर लग रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको एनर्जी मिलने लगा है, आपके शरीर में जो भी कमियां थी, जो इम्यूनिटी कम हुआ था, वो सब फिर से फुलफिल हो गया। तो जो भी आपने खाया पिया है उसका आपके शरीर में लग जाना, यानी पाचन क्रिया का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है अवशोषण। अवशोषण के बाद आता है श्वांगीकरण, यानी वो पच गया शरीर में, भोजन जो हमने किया वो पचा और हमारे शरीर को लगा। इसके बाद जो भी अवशिष्ट बचता है वो निष्क्रमित हो जाता है, यानी निष्क्रमण की प्रक्रिया होती है, और फिर वो क्या कह सकते हैं उसे कि अपचित भोजन जो है वो, या फिर जो पूर्णतः पचने के बाद अवशिष्ट बचता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है मल द्वार के द्वारा। बच्चों, आज की कक्षा में जंतुओं के पोषण नाम के इस अध्याय में आपने परिचय लिया है पोषण क्या है, पोषण कैसे प्राप्त करते हैं जीव जंतु, और जीव जंतु के भोजन का क्या स्टाइल। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जब भेंट होगी तो हम बात करेंगे जंतुओं में पाचन की पूरी प्रक्रिया के बारे में, साथ ही साथ देखेंगे मानव पाचन तंत्र के का फिगर भी बनाएंगे हम लोग, और एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न यह भी आता है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं या फिर पाचन की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाएं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो कल की कक्षा में हम लोग इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ें, और यह वीडियो लाइव आने के बाद यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल रवि सर की पाठशाला पर भी उपलब्ध होता है। तो जो लोग भी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर शेयर कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताएं कि किस प्रकार से एक सरकारी विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है, और कोरोना के इस महामारी के दौर में जब स्कूल बंद है और नए सत्र में विद्यालय खुलने की बात हो रही है, तो इस सत्र में जो भी बच्चे थे
उनको फायदा पहुंचाया जाए, इसलिए हमने लाइव आने का प्रयास किया है। देखते हैं कितने दिनों तक हम इस काम को आगे बढ़ा पाते हैं, लेकिन जितने दिन तक हम आगे बढ़ रहे हैं उतने दिन आप लोग भी जुड़े और इसका भरपूर लाभ लें। थैंक यू सो मच।